दिल्ली का चुनावी दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को जारी किए अपने घोषणा पत्र में बड़े वायदे किए। इसमें जल लोकपाल बिल, स्वराज बिल, राशन की डिलीवरी, स्कूल पाठ्यक्रम में देशभक्ति की पढ़ाई, 24 घंटे बाजार खुले रहने की बात कही गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया समेत अन्य पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब देश में अच्छा इलाज, सुरक्षा, हर किसी को पानी खाना मिल पाएगा तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। दिल्ली के दंगल में आपने वादे कर दिए और इसी के साथ आज अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। कहा कि दरवाजे तक राशन की डिलीवरी और स्कूल में अब देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा। यमुना को साफ करने की गारंटी, 2 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का भी वायदा किया गया। अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो में जन लोकपाल आंदोलन, दिल्ली स्वराज बिल लाने का भी जनता से वादा किया गया। आपने किया युवाओं को मुफ्त अंग्रेजी बोलना सिखाने का वायदा। एक दिलचस्प मैनिफेस्टो में उनका एक वादा रहा जहां युवाओं को अंग्रेजी बोलने की बात पर जोर दिया गया। कहा गया कि घोषणा पत्र के जारी होते ही दिल्ली की जनता को उम्मीदें अब आम आदमी पार्टी से और अधिक हो गई है। दिल्ली के दंगल के लिए चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चौकन्नी यहां दिखाई दे रही है। इसी के साथ यमुना को साफ करने के भी वादे कहे गए, साथ ही में पर्यावरण की बात को ध्यान में रखते हुए 2 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का वायदा अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो में किया गया और इसे जारी करते हुए कहा गया कि युवाओं को मुफ्त में अंग्रेजी बोलना भी सिखाया जाएगा।